टेस्टी है। कौन आया? हेलो, गुड मॉर्निंग मोटू जी। अरे पतलो, अभी अभी ये डोंकी बोला था। क्या बोलने वाला डोंकी? अरे सुबह हुई नहीं कि तुम्हारा खेल तमाशा शुरू हो जाता है मोटू। हेलो पतलू सर, गुड मॉर्निंग। ये डोंकी तो सच में बोलता है मोटू, भागो। अरे भाग कहाँ रहे हो मोटू पतलू? सुनो, मैं डोंकी नहीं एक घोड़ा हूँ। क्या तुम डोंकी नहीं हॉर्स हो? भूत डोंकी वाला मोटू पतलू, आज तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? बोलने वाला डोंकी? अब नहीं नहीं नहीं, सॉरी, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। दिखने में डोंकी है लेकिन घोड़ा। सुन के मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। हेलो चिंगम सर। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ये फनी है या मैं फनी? ये डोंकी तो बोलता है, मेरा नाम लेता है। बस बस मोटू पतलू, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं कब से तुम दोनों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें, बताओ। डरो मत, असल में मैं डोंकी नहीं घोड़ा हूँ, पर दिखता डोंकी जैसा हूँ। फिर एक दिन एक बुरे जादूगर ने मेरी रफ्तार पर लगाम लगा दी। वो मुझे खींच खींच कर अपने साथ ले गया, मुझे बेड़ियों में जकड़ दिया। वो जादूगर मेरी सवारी करना चाहता था, मैंने मना किया तो उसने मेरी रफ्तार पर लगाम लगा दी और मुझे गधा बना दिया। तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत दुख भरी है, मुझसे और नहीं सुना जाता। कंट्रोल मोटू, कंट्रोल कंट्रोल। सुनोगे नहीं तो उसकी मदद कैसे करोगे? अब तो सिर्फ तुम दोनों ही मुझे ठीक कर सकते हो। हम तुम्हें ठीक कैसे कर सकते? मुझे चाय कब दोगे? इंतजार करते करते थक गया। अरे मुझे मोटू पतलू से मिलने जाना है। अरे देता हूँ चिंगम भाया, देता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? आप कतार में हो, सबको नंबर से चाय मिलेगी और आपका नंबर 25वां है। हाँ कतार, कहाँ है कतार? एक भी आदमी नहीं है, फिर 25वां नंबर कैसे? अरे चिंगम सर, जब से मैंने मॉडर्न सिटी में हाईटेक टावर के सामने दुकान खोली है, तब से दुकान में चाय का बहुत ऑर्डर आता है। अरे मैं तो चाय बना बना के थक जाता हूँ, अभी 25 चाय और पिलानी है। समझ ही नहीं आता ये लोग ऑफिस में काम करते हैं या चाय पीते रहते हैं। मेरी प्राइमरी यार चिंगम सर है, चलो मोटू पतलू के साथ ही चाय पिएंगे, वह नंबर जल्दी आ जाएगा यारी। ओ शबजी, रुके रुके रुके, आपको किसे मिलने? हाय, द नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, नाम तो सुना ही होगा। यस यस यस, आपको कौन नहीं जानते सर। ओके गॉड, नाउ हैप्पी, कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स गो। हैंड साइड में करिए, तलाशी लेनी है। हाय, इंस्पेक्टर चिंगम की तलाशी ले रहे हो? मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। आप लोग अंदर जाओ जी। चिंगम साहब जी, अरे गलती हो गई। अरे माँ मोटू, तुम्हारे गार्ड ने तो मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया। बोली बाबा, यहाँ आते ही चाय पीने का मन होने लगा। अरे क्या बताए चिंगम सर, यहाँ आते ही सुस्ती आ जाती है, दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीने का मन करता है। मोटू मेरे भाई, मेरी याद है, तुम लोग परेशान मत हो, मैंने फुर्ती वाली चाय का पाउडर बना लिया है यार, उसकी चाय पियोगे तो तुम लोग इतनी चुस्ती इतनी फुर्ती में रहोगे, दिन भर काम ही काम करते रहोगे यारी। अरे बड़े भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कल हम घर से ही आपकी चाय बना के ले आएंगे। लो जी चाय।
क्यों? चाय पीने का बड़ा ही ज्यादा मन कर रहा है। जरा चाय वाले भैया को बोलना तो कि चाय भेजे। अरे मोटे, तुम भूल गए क्या? हम अपनी फुर्ती वाली चाय साथ में लेके आए हैं। देखो, चाय पियो, फुर्ती में आ जाओ। अरे वाह, ये क्या महक है? अरे वाह, ये तो लाउड है। ऊंट बदलो, चोर को पकड़ो। तुमने मुझे ही गिरा दिया। जॉन को पकड़ने के लिए बोला था, बगाने के लिए नहीं। तूने मुझे घूसा मार के उड़ाया था, अब मैं उसे भी रॉकेट की सैर कराऊंगा। सर, सर इस चेयर पर बैठिए, इस रॉकेट पर बैठकर फोटो खिंचवाइए। सर सुबह से खड़ा हूँ, किसी ने एक फोटो नहीं खिंचवाई। कल मेरे बच्चे की फीस देनी है, आज किचन में खाने के लिए भी कुछ नहीं है सर। बस करो, और नहीं सुना जाता। पतलू आओ, फोटो खिंचवा लेते हैं। अरे मोटो, सुनो तो मेरी बात। देखो, अगर तुम इसकी मदद करना चाहते हो तो इसे ऐसे ही पैसे दे दो, फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत। सर मैं काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ, मांग के नहीं। अरे पतलू चलो ना, बेचारा इतना कह रहा है तो। ओके, रेडी सर, स्माइल से चीज, स्टेरिंग पकड़ लीजिए सर। सर एक बार वहां देखिए। बाय बाय। अरे उसने हमें उल्लू बनाया, अब उड़ते रहो। चिंगम सर को बताता हूँ। हेलो चिंगम सर, हेल्प, हम लोग उड़ते जा रहे हैं। अरे माँ, किधर उड़े जा रहे हो? अरे माँ, अपने साथ मुझे भी फंसा दिया। अरे माँ, अब्बा, अरे मुझे भी चिल्लाना है, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ। मोटू पतलो, कहाँ से आ रहे हो तुम? चिंगम सर, एक आदमी हमें, और वो जॉन ही होगा। अरे मां, कानून की कसम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस रिवॉल्वर से उस पर ठाए ठाए फायर झोंक दूंगा। चिंगम सर, चिंगम सर, नारियल उसके लिए। एक बार फिर से समझ लो, मैग्नीफाइंग ग्लास से जब तक ये रेड बटन दबा के रखोगे, वो चीज बड़ी होती जाएगी, और जैसे ही ग्रीन बटन दबा दोगे तो वो चीज अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी। चलो अब मुझे थोड़ा बड़ा कर दो ताकि मेरा साइज अच्छा लगे। वाह बॉस वाह, साइंटिस्ट वायरस ने इस बार कमाल की चीज दी है। क्या बात है? जाओ, अब तुम दोनों छुप जाओ। आइए आइए, आज ही अपना कल जानिए, मिस्टर बड़बड़िया से मिलिए। भाई साहब, आपका सुनहरा कल आपको बुलंदियों पर पहुंचाने वाला है। बड़ी बड़ी ना फेंको, तुम जैसे मैंने बहुत से देखे हैं। चिकनी चुपनी बातें करके सपने दिखाओगे और फिर पैसे झटक लोगे। भाई और बहनों, आपके किसी भी सामान को मैं बड़ा कर सकता हूँ। चल के देखते हैं वहाँ क्या भीड़ लगी है। अरे भाई साहब ये देखो, मेरे पास एक छोटा सा बिस्कुट है, मैं इस एक बिस्कुट को ही बड़ा करके खा लेता हूँ और मेरा पेट भर जाता है। भूख की प्रॉब्लम सॉल्व, तो मुझे ऐसे पैसे कमाने की क्या जरूरत है। अच्छा, एक बिस्किट से तुम्हारा पेट भर जाता है? अरे पेट है कि माचिस की डिब्बी, तो इतने में भर जाएगी। यहाँ पर कैसे टपक गए? You want proof? अभी दिखाता हूँ।
बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा, छोटा सा बिस्कुट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? आपने ये चमत्कार कैसे किया महाराज? नो नो महाराज नहीं, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, कॉल मी मिस्टर बड़बड़िया। ओहो थैंक यू मिस्टर बड़बड़िया। ये तो खाए पिए निकल ले ऐसा होने लगा। सुनो मैं खुद के लिए एक रुपया भी नहीं लेता, पर ये मेरा डोनेशन बॉक्स है, मैं सारे पैसे चैरिटी करता हूँ, जो चाहे इसमें डोनेट कर दो। अच्छा तो ये बात है, तो लो मेरी तरफ से 5,000 रुपए डोनेशन। बड़बड़िया जी मुझे प्लीज बड़ा कर दो। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।